भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर उनके समर्थकों को मिली टिकट दी गई थी। ऐसे में मुझे लगता है अगर टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं था तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके निशाने पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जो है उसको करारी हार का सामना तीसरी बार करना पड़ा। हार के बाद कांग्रेस के जो लीडर हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। इस बार अब कांग्रेस के जो प्रधान हैं उदय भान वो सामने आए हैं और उन्होंने हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का संगठन ना होना एक कारण बताया और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जो टिकटों का बंटवारा था वो भी सही तरीके से नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कारण बताए लेकिन साथ ही उन्होंने ईवीएम को भी दोष दिया कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर ये सारे जो कारण उन्होंने पहले बताए वो वाजिब थे तो फिर ईवीएम कहां से आ गई? अगर ईवीएम की बात करते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तथ्य भी अभी तक जुटा नहीं पाए हैं। इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस जो है उसको करारी हार मिली, हालांकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो है कांग्रेस पार्टी हार गई और उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर थे वो एक दूसरे पर दोष लगाते, एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। अब कांग्रेस प्रधान उदय भान सामने आए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने संगठन का ना होना, टिकटों का सही से बंटवारा ना होना, ईवीएम और इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने कही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बातें कह रहे हैं उसके पीछे कितनी बातें सही हैं और कितनी गलत? देखिए राजेंद्र जी, कांग्रेस की इस विधानसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है और कांग्रेस ने जीती बाजी हुई बाजी हारी है, तो उससे मुझे लगता है कांग्रेस में गुटबाजी और सिरफोटावल जो है और ज्यादा बढ़ रही है। हार के बाद एक दूसरे नेता जो हार का ठीकरा है दूसरे नेताओं के सिर फोड़ रहे हैं और अब भी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट जो स्टेट प्रेसिडेंट है उदय भान जी, वो सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और उन्होंने बयान दिया है, प्रेस के सामने बयान दिया कि जो संगठन है, संगठन का न बनना कांग्रेस की जो पराजय का, कांग्रेस की हार का मुख्य कारण रहा है और उस संगठन का के न बनने पर सारा दोष उन्होंने दीपक बाबरिया के सिर मढ़ा है। और मुझे लगता है इस तरह से दीपक बाबरिया को उन्होंने सीधे सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दीपक बाबरिया ने कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया। हाईकमान ने 2023 में ही कह दिया था कि कांग्रेस के का संगठन के लिस्ट तैयार करके लेके आओ और उधर उदय भान जी का ये भी कहना है कि हमने लिस्ट तैयार कर दी थी लेकिन जो दीपक बाबरिया हैं प्रभारी थे कांग्रेस के हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उन्होंने वो लिस्ट आगे हाईकमान को नहीं भेजी। इस प्रकार से जो संगठन है वो बनने से रह गया और संगठन न बनने के कारण जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने दीपक बाबरिया पर तो जो हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा ही है, दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने जो टिकट का बंटवारा था कांग्रेस में वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। उस जो इस तरह का जो ये बयान जो दिया है उन्होंने, इस बयान से लगता है मुझे कहीं ना कहीं हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर, बिल्कुल बिल्कुल वो भी इस निशाने पर आ गए, इनके निशाने पर रहा है। टिकट बंटवारे की अगर बात करें तो ये तो जग जाहिर है, सबको पता है जो लगभग 75 से 80 तक जो टिकट थी विधानसभा में के चुनाव में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर जी जूसी ग्रुप को मिली थी, बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर उनके समर्थकों को मिली टिकट दी गई थी। ऐसे में मुझे लगता है अगर टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं था तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके निशाने पर है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है टिकटों का बंटवारा का एक मुख्य कारण। जी 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 बिल्कुल। और उसके साथ साथ उन्होंने जो आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो मुद्दा था, वर्गीकरण किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, उससे भी देवान का ये कहना है कि उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नुकसान, 80 वोटों का नुकसान हुआ है।
और उस वो भी एक मुख्य वजह उन्होंने बताई है। और इन सारे कारणों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम है कोई है। तो अगर ये इतने सारे कारण उन्होंने बता दिए अपनी पार्टी की जो हार के कारण है, अपनी पार्टी के नेताओं को जो के सिर जो हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं वो, और इतने सारे कारण बताने के बाद फिर ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम है कोई है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कुछ इसके इस कथन में कोई दम है। क्योंकि अगर ये इनका संगठन होता और टिकटें ठीक बढ़ती और दूसरे जो और कारण उन्होंने बताए हैं, अगर वो कारण नहीं होते तो फिर ये ईवीएम का है का मुझे लगता मतलब ही नहीं है। तो ईवीएम है का भी उन्होंने एक कारण बताया, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अभी तथ्य उनके जो मेन फैक्ट है ईवीएम किस प्रकार से है कोई है और सारे जो तथ्य जुटा रहे हैं पार्टी जुटा रही है और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे लगता है अभी तक उन्होंने तथ्य जुटाने पर भी काम नहीं किया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने कंप्लेंट की गई रिप्लाई दे दिया गया उन्होंने बहुत लंबा जोड़ा रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उस इलेक्शन कमीशन के बाद भी उन्होंने अभी तक तथ्य जुटाने शुरू नहीं किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी मुझे लगता है इतना उनका मनोबल बढ़ नहीं पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर जाएंगे, उनके पास तथ्य क्या होंगे। तो इस तरह से इतने सारे कारण अपनी पार्टी के हार के कारण अपनी पार्टी के नेताओं को बता दिया तो ईवीएम का तो मुझे लगता है कहीं कहीं उनका एक जो है ना उनके पक्ष का मामला बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। जी उदय भांजी का ये जो बयान है जिस पर उन्होंने कहीं दीपक बावरिया को निशाने पर लिया, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लेते नजर आए, तो इससे जो कांग्रेस की फूट है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस समय आत्ममंथन की जरूरत है इस पार्टी को चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, बावजूद इसके वो अपने नेताओं पर ही जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बात हुई थी कि ये कांग्रेस के समीक्षा कमेटी बनाएंगे जो समीक्षा करेगी कि हार के कारणों की क्या समीक्षा है, तो वो किस प्रकार से समीक्षा करेगी जो पार्टी इनकी कमेटी बनाई जा रही है? देखिए राजेंद्र जी, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, और उनको अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा का काम वो नहीं देख पा रहे हैं, और जो कांग्रेस हाईकमान ने जितेंद्र बघेल को भी सह प्रभारी हरियाणा का बनाया है, और एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो 8 सदस्यीय कमेटी एक हार के कारणों का पता लगाएगी और एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी। जी जो जितेंद्र बघेल उसमें को उनके सह प्रभारी के रूप में शामिल किया गया, और 8 सदस्यीय जो कमेटी है उनके उसमें कर्ण सिंह दलाल को चेयरमैन उस कमेटी का बनाया गया। जी जो हार के कारण है उनकी एक रिपोर्ट तैयार कर और हाईकमान को सौंपेंगे, उसमें पता चल पाएगा कि हार के क्या कारण रहे हैं। हालांकि कर्ण सिंह दलाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ही माने जाते हैं, लेकिन अगर ये हार के कारण इनमें जो जवान जी ने बताए हैं तो अगर यही हार के कारण रहे हैं तो फिर कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कहीं कहीं एक उंगली उठती है कि क्योंकि उन्होंने उदयभान ने ये बताया है कि टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, टिकटों का बंटवारा अगर ठीक से नहीं हुआ तो कहीं कहीं फिर भूपेंद्र हुड्डा भी हार के कारणों से अछूते नहीं रह सकते। समीक्षा कमेटी की बात करते हैं, समीक्षा कमेटी जो है वो हार के कारणों का पता लगाएगी, दूसरी ओर उदयभान जो है वो अपने ही नेताओं पर कहीं ना अगर दीपक बावरिया की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें उन पर दोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये लोग हार के दोषी पाए गए, इनकी वजह से हार हुई है या कहीं ना कहीं ये लोग कारण होते हैं, तो इन पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए हार के दोषी तो वो कांग्रेस की जो एक 8 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है वो किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करती है, हार के जो असली कारण है उन कारणों पर जाएगी तो मुझे लगता है जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं जिन्होंने पार्टी की टिकट वितरण में जिनकी अहम भूमिका रही है वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर आएंगे, उन तक भी कहीं कहीं आज पहुंचेगी। और जो इससे पहले जो कुमारी शैलजा गुट है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है वो एक दूसरे पर हार का जो ठीकरा उन्होंने फोड़ा है, लेकिन अब जो
उदयभान जी का जो बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे दीपक बावरिया ने संगठन नहीं बनने दिया और संगठन न बनना एक मुख्य कारण तो रहा है। इसके साथ साथ जो आपने हमने बात भी की है कि कांग्रेस का जो टिकट वितरण था वो कहीं कहीं टिकट बंटवारा ठीक नहीं हो पाया, तो इस प्रकार की अगर इन कारणों पर अगर चर्चा होगी, ये समीक्षा में आएंगे और इन पे विचार किया जाए, कमेटी भी इन पे विचार करेगी, तो निश्चित रूप से ये बड़े बड़े जो नेता है और उनमें से कईयों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एक दो नेता को कहीं ना कहीं आउट भी कर सकती है। लेकिन इस स्थिति में कांग्रेस ये निर्णय नहीं ले पाएगी कि किसी को कांग्रेस से बाहर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की हालत अभी हरियाणा में खस्ता है और कहीं ना कहीं इससे बचेगी। लेकिन हार के कारण तो मुख्य रूप से उन्होंने बता दिया, दूसरी ओर जो अपना जो नेताओं को बचाने के लिए उन्होंने ईवीएम का सहारा भी लिया जी, ईवीएम को जो हैक करने की बात की और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें अपने नेताओं को बचाने का काम भी करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता अपने जो लीडर पर है, हालांकि बेशक वो दोषी पाए जाते, समीक्षा कमेटी जो बनेगी उसके बाद ही चीजें डिसाइड होंगी कि जो भी लीडर इसमें दोषी होते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट एक तो पहले आएगी, उस पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी उस पर देखा जाएगा, और संगठन के बारे में भी उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की बहुत सख्त जरूरत है और कहीं कहीं दीपक बावरिया का इस जो कमेटी है, जो 8 सदस्यीय कमेटी है, उसमें शामिल न होना ये दिखाता है कि दीपक बावरिया को आउट किया जाएगा। दीपक बावरिया मुझे लगता है कांग्रेस के प्रभारी नहीं रहेंगे, क्योंकि जी पहले कुमारी शैलजा भी दीपक बावरिया पर आरोप लगाती रही और भूपेंद्र हुड्डा गुट के जो उदयभान को उनके गुट का माना जाता है, वो भी उन्होंने भी कहीं कहीं उनको निशाने पर लिया है, और मुझे लगता है दोनों गुटों के निशाने पर अब दीपक बावरिया आ गए हैं और दीपक बावरिया का जो हरियाणा से जाना मुझे लगता है तय है जी। मेरे साहब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी इस तीसरी बार की जो हार है उससे कुछ सबक सीखने की जरूरत है। अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक संगठन मजबूत माना जाता है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसमें एक बिखराव है, गुटबाजी है, और खासकर हरियाणा की बात करें तो गुटबाजी जग जाहिर है। कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो है हार का एक बड़ा कारण भी रही है, तो कांग्रेस को अपने संगठन के ऊपर, उसको मजबूत करने के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आने वाले 5 साल में अपने संगठन को मजबूत करते हैं तो अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। आने वाला समय कैसा होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।